साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों तस्वीरें देख रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पर, जो ये बाड़मेर शहर से 5 किलोमीटर दूर माया का नाडिया की तस्वीरें दिखा रहा हूं स्कूल की। यहां पर साथियों माहौल बिगड़ गया है, यहां के वोटर आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि एक तरफा बता रहे हैं कि इन्होंने फर्जी वोट दे रहे थे, इसलिए दोनों आमने सामने हो गई पार्टियां। देख लो साथियों, यहाँ पुलिस बीच बचाव कर रही है, आपस में दोनों पार्टियां झगड़ना शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें आप माया के नाडिया की देख रहे हैं, यहाँ पर अव्यवस्था है, क्योंकि साथियों यहाँ भीड़ ज्यादा होने के कारण पुलिस का जाप्ता यहाँ पर तैनात नहीं है। सिर्फ 3 कांस्टेबल है, 1 ASI है, और बाकी यहाँ जाप्ता नहीं होने के कारण माहौल बिगड़ चुका है। तो साथियों आप तस्वीरों में देख रहे हो, सभी आपसी में झगड़ रहे हैं। देख लो, इन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर फर्जी वोट देने आया था, ये तीसरी बार आया है, बार बार आ रहा है वोट देने के लिए। तो तस्वीरें आपको मैं माया के नाडिया की दिखा रहा हूँ। उसके बाद प्रशासन को कॉल भी किया है, प्रशासन ने यहाँ पर DYSP रमेश शर्मा और अन्य जाप्ता भी यहाँ भेजा गया है, तो चल रही है, यहाँ पुलिस पहुँच गई है। देखो पुलिस बीच बचाव करके दोनों को अलग कर रही है। तस्वीरें आप माया की नाडिया की देख रहे हो, यहाँ दोनों ग्रुप आमने सामने हो गए हैं। तो साथियों तस्वीरों में एक बार फटाफट शेयर कर दो, ताकि ये पोस्ट प्रशासन तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, उनको पता चले हकीकत में क्या माहौल है, यहाँ पर दोनों पार्टियां आमने सामने क्यों हो गई है। तो फटाफट साथियों एक बार शेयर करो, आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ माया के नाडिया की, पूरी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ माया के नाडिया से, एक बार शेयर कर दो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज लोकतंत्र के पर्व पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हो, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माया का नाडिया की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी है, वोट देने वालों की भीड़ उमड़ी है, मगर महिला कांस्टेबल यहाँ नहीं होने के कारण व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। साथियों यहाँ खड़े लोगों ने बताया है कि कई लोग महिलाएं ऐसी है जो वापस जा रही है, उन्होंने वोट तक नहीं दिया है, वो महिलाएं वापस अपने घर की ओर जा रही है। तो चलो अपने यहाँ महिला बैठी है, महिलाओं से बात करते हैं, मुझ महिलाओं से जानकारी लेते हैं ये महिलाएं कब आई है। ये बता रही है कि 1 घंटे में करीब 16 से 17 वोट यहाँ दिए जाते हैं। तो चलो अपन इन महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं की समस्या सुनते हैं, आखिर क्या है पूरा ये मामला। चलो अपन महिलाओं से बात करते हैं। मोनी कितनी बजी है वो? मोनी कितनी बजी है वोट देने? वोट देने कितनी बजी आया था? 8 बजे आया हो तो जब वोट कौन दियो? क्यों देन है ना, तो इतना टाइम दिया था कि क्या है नहीं बचा के भी ये आगे लड़ी थे बड़ी थे जरा नेता तो नहीं किया भैया। भीड़ घनी है ना। की नाम है आप लोग? प्यारी के तुम आया हो? कितनी बजे आया था? 7 बजे। 8 बजे आया हो तो की वोट वोट तीनों कौन की है? व्यवस्था कह रही है बढ़िया है, वोट वोट तीनों कौन थे? तो वोट दे रहा है ठीक है। ये साथियों देख लो, देखो झगड़े हैं सब, देख लो
आखिर सिंह सरपंच है वो भी आ रहे हैं, पूर्व सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है यह व्यवस्था बिगड़ चुकी है, पुलिस का जाब्ता पूरा तैनात नहीं होने के कारण सिर्फ दो सिपाही लगे हुए हैं यहाँ पर, एक एएसआई की ड्यूटी है, एक गेट पे है, एक अंदर है, बाकी का माहौल यहाँ बिगड़ चुका है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माया का नाडिया की तस्वीरें दिखा रहा हूँ साथियों आपको, खड़ी है कतार में, लंबी कतार में पुलिस का जाब्ता पूरा नहीं, महिला का स्थल यहाँ तैनात नहीं होने के कारण व्यवस्था बिगड़ रही है, या पुलिस के जवान भी तैनात है, देख लो आप साथियों। हमारी बात सुनो रतिराम जी, मैं लगे तो उठाई कर साफ हो सोमगंज जी, गयो हेमंत के जी, हां बड़े कह रहे हैं ये हम सोमगंज जी को, अरे मधुर जी ये मैं का नाडिया थोड़ा करना फोट दे देता हूं, चलो मैं अभी कहता हूं, अभी मैं का नाडिया, ये गाने पता है माया का नाडिया, मैं कहता हूं टाइगर साहब को कहता हूं कि दे देंगे। महिलाओं ने हमला कौन साथियों, ये हमारे साथ पूर्व सरपंच भाकर सिंह जी महेता है, भाकर सिंह जी से बात कर, भाकर सिंह जी यहाँ पर अव्यवस्था बिगड़ गई है अभी कुछ समय पहले, यहाँ दो पार्टियों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, क्या मामला है? झगड़ा ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, छुटपुट है, कोई लड़के है आपस में थोड़ा कर रहे हैं, ऐसा झगड़े वगड़े की कोई संभावना नहीं है, एक आध लेडीज पुलिस हो कांस्टेबल तो वो महिला वहिला के लिए थोड़ा ठीक रहे, और बाकी इतना ज्यादा कोई झगड़े वगड़े की संभावना, सब एक ही परिवार के हैं, सब एक साथ में बैठे हैं, कोई ज्यादा झगड़े वगड़े, आरोप भी लगे कि फर्जी वोट बढ़ रही है, आरोप लगते रहते हैं, करते रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तब आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा होगा तो हम मौजूद आदमी भी यहाँ है, ऐसा नहीं होने देंगे। माहौल कैसा है यहाँ पर? माहौल अच्छा है, वोटिंग इतनी धीरे धीरे क्यों हो रही है? वो एक कोई है मारसा बुजुर्ग आदमी, उनकी वजह से हो रही है, तो हो सके प्रशासन चेंज करके और दूसरा आदमी, तो इसको लेकर आपने प्रशासन को आगे कोई बात की? या हमारे वर्तमान सरपंच साहब ने फोन करके बताया, जड्डू साहब को बताया, ठीक देव जी कह दिया। सर क्या नाम है आपका? नाम तेज सिंह है। तेज सिंह जी, क्या मामला हुआ था अभी? ये फर्जी वोटिंग का हुआ था, एक मामला ये है जो अधिकारी फर्स्ट नंबर पे बैठे हैं नी, उनको दिख नहीं रहा है, तो ये 15 से 20 मिनट एक आदमी ले रहे थे सुबह से, मैं 7:45 आया हुआ, उसके पीछे आदमी जो खड़ा हुआ लाल साफे वाला, अभी तक नंबर नहीं आया 3 घंटे, फिर आप लोग 4-4, 5-5 घंटे कौन इंतजार करेगा, वापस जाएंगे लोग परेशान हो रहे, तो अभी झगड़ा का ही बात का हुआ, तो कोई लेडीज ले रहा फर्जी वाला करा रहे थे, और बाकी मैन समझा ये वो एक नंबर पे बैठे हैं टेबल पे, उनको चेंज करा अधिकारी कोई तो सुनवाई करे, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ क्या व्यवस्था है? तो बोले वो एसडीएम साहब से बात करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सुबह से कह रहे और रात को कह रहे हमने चेंज करने दी, आदमी चेंज नहीं किया, 20 मिनट एक आदमी का देखने में 20 नंबर, मैं बोला 806 देखो मेरा, 20 मिनट उनको देखने में लगता है, तो इतने में इंतजार कौन करेंगे, मैन समझा वो हो रही है, पुलिस 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 वालों को बोलो एसडीएम साहब से बात करो, एसडीएम साहब से बात करो, तो सुनने वाला कोई नहीं, आपने आगे कलेक्टर को रात भर नहीं होगी नाम कहीं किसी को नहीं बोला, इनको पुलिस अधिकारी वालों को बोला था, ये बोल रहे अधिकारी बोले एसडीएम साहब को बताओ स्थिति यहाँ पर कैसी है? स्थिति ये है कि अभी मैं कह रहा हूँ 4 घंटे से मेरे पीछे 10वें नंबर में खड़ा, उसका वोट नहीं हो रहा है, 1 घंटे में कितने वोट हो रहे हैं? 10 से 15 वोटिंग हो रहे हैं।